है, बच्चन पांडे देख के आ रहे हैं। बहुत अच्छा फिल्म है, बहुत मस्त फिल्म है यार। बहुत मसालेदार, चटाकेदार, फटाकेदार, गटाकेदार मूवी है। आप भी देख के आ सकते हैं। बच्चन पांडे मूवी, अक्षय कुमार जी का मूवी, खिलाड़ी भाई का मूवी, बच्चन पांडे। अरे रुको, जा रहे हो? तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ, इतनी जल्दी तुसी ना जाओ। थोड़ी रुक जाओ। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम जो फिल्म बना दिए साला वही हिट हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। कौन सी महाग्रंथ में लिखा हुआ है कि हमारा हर फिल्म हिट हो रहा है तो हमारा ये भी फिल्म हिट हो जाएगा। अरे रुक जाओ, हम तनिक हमारा पूरा बात तो सुनते जाओ, फिर जाना बच्चन पांडे देखने के लिए। तो अक्षय कुमार जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बच्चन पांडे फिल्म बनाने से पहले आपने स्टोरी पढ़ा था कि कौन सी स्टोरी में आप काम करने वाले हैं? आप तो डूबे, साथ ही साथ आपके साथ जो कृति काम कर रही है, कृति दीदी, जैकलिन दीदी, अर्शद भाई और हमारी हमारे पंकज त्रिपाठी जी काम कर रहे हैं, उनको भी तो आपने लेके डूब दिए हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि आप चुल्लू भर पानी में डूब गए हैं, आपका ये फिल्म अच्छा नहीं बना, हम कह रहे हैं ना। अरे हम का कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है आपका ये फिल्म अच्छा नहीं बना। तो आपको भी थोड़ा आपका टेस्ट में सुधार लेके आना चाहिए। सूर्यवंशी के बाद आपने ये फिल्म रचा है, जो भी हो, सूर्यवंशी अच्छा था, ये भी अच्छा है, अच्छा लगता है, पर आपका टेस्ट तो अच्छा नहीं है। मतलब आपका टेस्ट बदल गया है, मतलब 2 साल कोरोना में रहते हुए आपका, हमको लगता है स्वाद बदल गया है, ये हमको लगता है। तो मेरा जो फ्रेंड्स हैं, हम उनके लिए बता रहे हैं कि मेन जो कैरेक्टर है इस फिल्म में वो तो अक्षय कुमार जी है, हमारे खिलाड़ी भाई। खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी। अब उनको क्या है, अब उनको तो सिर्फ पानी निकालना है और पौधा अपने आप उग जाएगा। जो भी हो, हमारे अक्षय भाई है मेन खिलाड़ी, और उनके साथ है जैकलिन फर्नांडिस और कृति, और साथ में अर्शद भी है और पंकज त्रिपाठी जी भी इस फिल्म में शामिल है। ये सब मेन कैरेक्टर्स हैं, और भी को कैरेक्टर्स हैं फिल्म के अंदर, तो उनके बात हम नहीं कर रहे हैं। मेन जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो जिनके नाम नाम हमने लिए हैं, ये मेन कैरेक्टर्स हैं। और मेन कैरेक्टर का काम क्या क्या है वो हम आपको बता देते हैं। अक्षय कुमार जी है, ये बच्चन पांडे फिल्म का मेन कैरेक्टर है, मतलब बच्चन पांडे ही अक्षय कुमार जी हैं। और जैकलीन फर्नांडिस जो है वो उनकी प्रेमिका रह चुकी हैं इस फिल्म के अंदर, और जो कृति है वो इस फिल्म के अंदर डायरेक्टर है, बच्चन पांडे जी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए आई है बच्चन पांडे के पास। और साथ में अर्शद जी हैं। अर्शद जी कौन है इस फिल्म के अंदर? अर्शद जी है कृति जी की फ्रेंड, जो कि कृति जी के साथ ही बच्चन पांडे फिल्म को बनाने के लिए कृति जी के साथ दे रही है। और क्यों दे रही है? क्योंकि उनको भी, मतलब अर्शद जी को एक बड़ा स्टार बनना है, इसलिए वो कृति जी के साथ चली है बच्चन पांडे जी के पास, बच्चन पांडे के ऊपर फिल्म बनाने के लिए। और हमारी पंकज त्रिपाठी जी, पंकज त्रिपाठी जी इस फिल्म में क्या कर रहे हैं भाई? पंकज त्रिपाठी जी इस फिल्म में मास्टर बने हैं। मास्टर का किसका मास्टर? अरे अभिनेता का मास्टर बने हैं। गुंडे को अभिनेता सिखा रहे हैं इस फिल्म के अंदर, जानते हैं? मतलब क्या बोले, क्या बोले, हाँ, बच्चन पांडे जी और बच्चन पांडे का जी का जो गैंग है ना, तो वो तो एकदम चटाकेदार, मटाकेदार, फटाकेदार गुंडे हैं वो लोग इस फिल्म के अंदर। तो जैसे कि डायरेक्टर हमारा जो कृति जी हैं और अर्शद जी हैं, वो जाते हैं किसके पास? बच्चन पांडे जी के पास जाते हैं उनके ऊपर फिल्म बनाने के लिए। तो गुंडे जी को, गुंडे को क्या आपको लगता है कि उनको अभिनेता मतलब अभिनय करने आता होगा? गुंडे को तो अभिनय आता नहीं है, और चले थे गुंडे के ऊपर फिल्म बनाने के लिए। और बदकिस्मती से इस फिल्म, मैंने फिल्म के अंदर जो कृति जी बच्चन पांडे के ऊपर फिल्म बनाने जा रही थी, तो बच्चन पांडे जी ही बच्चन पांडे जी का फिल्म का मतलब मेन कैरेक्टर हो गए हैं। और इस वजह से कृति जी ने पंकज त्रिपाठी जी को बुलाया है, बच्चन पांडे को
मतलब अभिनय सिखाने के लिए। हालांकि अक्षय कुमार जी को अभिनय सिखाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छी तरीके से अभिनय जानते हैं। मतलब सब कैरेक्टर में वो अपने आप उतर जाते हैं, जैसे ऐसे उतरते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अपनी असली जिंदगी में उसी कैरेक्टर को शायद प्ले करते होंगे, इसीलिए वो हर कैरेक्टर को मतलब इतने अच्छे तरीके से निभाते हैं। तो मुझको ये फिल्म खराब इसलिए लगा गाइस, पहली बात तो यह है कि फिल्म का स्टोरी एकदम बुरा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये फिल्म एक गुंडे के ऊपर आधारित है, वो भी असली गुंडा नहीं, नकली गुंडे गुंडे के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है बच्चन पांडे। तो अच्छा नहीं लगा क्या अक्षय कुमार जी को इस कैरेक्टर के ऊपर प्ले करने में, प्ले करते हुए देखने में। पर अक्षय कुमार जी का जो गेटअप था वो मतलब दिल छू गया, मतलब दिल छू गया उनका जो गेटअप इस फिल्म में बनाया गया है, मतलब एकदम धांसू गेटअप है। पर जितना धांसू उनका गेटअप है उतना लो, मतलब उतना लोएस्ट उनका फिल्म है। अगर आप अक्षय कुमार जी का ये फिल्म देखते हैं तो पता चल ही जाएगा आपको कि कैसे ये फिल्म बना है। और दूसरी बात ये है, जो अर्शद जी जिस टाइप का कैरेक्टर को वो प्ले करते हैं, उस टाइप मतलब जैसा उनका टैलेंट है, उस टैलेंट को इस फिल्म के अंदर मतलब दिखाया नहीं गया। मतलब वो कर ही नहीं पाए अपना टैलेंट को जो है वो दिखा ही नहीं पाए। जिस तरह से MBBS में मतलब मुन्ना भाई में जिस तरह का कैरेक्टर वो प्ले किए हैं, या फिर माइकल मिश्रा में जिस तरह का कैरेक्टर वो प्ले किए हैं, मतलब जिस तरह के कैरेक्टर में हम लोग उनको देखते हैं, उस तरह का कैरेक्टर उनको मिला ही नहीं इस फिल्म के अंदर। और जिस वजह से उनके उनके अंदर जो टैलेंट है वो पूरा जाया गया है। और हम बात करेंगे अभी थोड़ा त्रिपाठी जी के बारे में। पंकज त्रिपाठी जी मतलब एक बहुत ही नामचीन, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त एक कैरेक्टर है, बहुत ही मस्त मस्त एक आदमी भी है, बहुत ही मस्त अभिनेता भी है। उनको जितना दिया गया है मतलब उसके अंदर उन्होंने पूरा तोड़ दिया है, मतलब पूरा फाड़ दिया है। हमको पूरे फिल्म के अंदर सिर्फ उनका जो पार्ट है वही हमको अच्छा लगा, और बाकी सब पानी है। हम इस फिल्म को 5 में से सिर्फ 1 रेटिंग देंगे, और 1 रेटिंग इसी के लिए देंगे कि अक्षय जी का जो गेटअप है वो हमको मस्त लगा, और पंकज त्रिपाठी जी ने जितना जैसा अपना कैरेक्टर को प्ले किया है वो हमको बहुत ही मस्त लगा बस। और बाकी सब तो खुदा जाने, अल्लाह जाने, भगवान जाने, हमको क्या है भाई, हमको तो सिर्फ पानी निकालना है और पौधा उगाना है। तो चले चलते हैं और आते हैं अगले किसी वीडियो में किसी का रिव्यू लेकर।